हम अपनी प्यारी सी मौसी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बेकार है दिल्ली बाबा, देहरादून में घर बना लो। भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मैं किसको दूंगा ये। भाई अंकल जी का डांस देखो अंकल जी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई ये वाला व्लॉग आप एकदम से देख रहे होंगे, लास्ट व्लॉग था देहरादून का और ये वाला व्लॉग सीधा दिल्ली से स्टार्ट। मतलब जो भी पहले मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो देख रहा होगा कि ये पीछे रूम मेरा ही है। तो भाई मैं आ गया था देहरादून से, जस्ट अभी आया हूँ भाई, एक घंटे पहले। और फिर मुझे भाई कसम से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। पर ना कपड़े थे ना कुछ, यही वाला ब्लेजर पहन लिया। दिखाऊं ये देखो पीछे एक बार, सारे कपड़े धोने को है मेरे सारे, क्योंकि मैं देहरादून लेके जा रखा था और जस्ट अभी आया हूँ। और आज है हमारी मौसी हैं, जो अभी दिखाता हूँ, हमारी जो मौसी है उनकी 25th एनिवर्सरी है, तो उनके फंक्शन में जाना है। और मौसी ने बोला था कि तू ज़रूर आइयो। तो मौसी जी अगर आप ये देख रहे हो तो मैं आपके लिए आ रहा हूँ बस, मतलब आप सबके लिए आ रहा हूँ बस। वरना मैं जस्ट अभी देहरादून से आया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ। पर मैंने कहा हम अपनी प्यारी सी मौसी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अभी निकलते हैं फटाफट, नीचे सारे वेट कर रहे हैं गाड़ी में। मैं हो गया हल्का सा लेट, मैं भाई मुझे मैं गंदा लग रहा हूँ बहुत, पता नहीं क्यों। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं, लाइट भी बंद कर दी, बाय। भाई दिल्ली आते ही इतना जाम, इतना जाम, बेकार है दिल्ली बाबा, देहरादून में घर बना लो। ठीक है बना दे, कमाओ और बनाओ। इतने दिनों बाद मेरे से मिल के कैसा लग रहा है? किसको दूंगा ये। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मौसी की शादी में, मौसी की 25th एनिवर्सरी। किसी का फोन आ रहा है गाइस, मुझे एक सेकंड रुक जाओ जरा। इतनी तेज गाने बज रहे हैं, इतनी तेज गाने बज रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। अब मैं जाके मिलवाता हूँ मौसी से, अभी तक बज रहे थे गाने। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, ये बैंक्वेट हॉल है, और अभी तक मैं गाने बज रहे थे, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आपको आ रही थी आवाज़ है? अब मैं जाता हूँ मौसी से मिलवाता हूँ, फिर बात करते हैं। इधर आ जाओ आप, आप इधर आ जाओ, जाओ उधर, जाओ उधर, बुला रहे हैं आपको। भाई
भाई सारी चीजें डन ढंग से मैं इसलिए दिखा पाया क्योंकि भाई यहाँ पे वो गाने इतनी तेज बजा रहा है, इतनी तेज बजा रहा है, और मैं अब खा रहा हूँ खाना। सबने इधर खा लिया, अब मैं खा रहा हूँ खाना। बाकी अभी मौसी से भी मिलवाना था। मौसी पता नहीं कहाँ है, ये रही शायद, नहीं नहीं ये नहीं है। मौसी कहाँ है? वो रही, नहीं वो भी नहीं है। मौसी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अभी खाना खा लेता फिर मिलवाता हूँ क्योंकि अब गाने हो चुके हैं बंद। खाना खाता हूँ फिर मिलवाता हूँ। ठीक है गाइस, और यह हमारी मौसी जी। कैसा लग रहा है आपको? 25 साल हो गए एक साथ, कैसा रहे, हंस रहे हो बताओ। हैं? 25 साल कैसे कैसे झेल लिए? झेले हैं? अच्छा अच्छा मौसा जी से पूछता हूँ, अभी झेले हैं क्या? बोला मौसा जी, कैसा लग रहा है आपको 25 साल हो गए साथ में? हैं? लग रहा है मौसी तो कह रही है झेले हैं। अब तेरी मौसी ये तो तुमको खुश करने के लिए बोल रही है, मायके पक्ष वालों को। अच्छा वैसे कैसा एक्सपीरियंस है? मैं भी तभी शादी करूंगा जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मम्मी पापा से देखना अपने, तेरे इतना चार मम्मी मम्मी पापा को भी 25 नहीं हुए और क्या? अभी मम्मी पापा को 25 नहीं हुए, हो जाएंगे 25 अब जल्दी हो जाएंगे। आपको व्लॉग में नहीं लिया था मैंने। नहीं 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 अरे अच्छे आ रहे हो, अच्छे आ रहे हो, अच्छे आ रहे हो। मैंने आपकी मम्मी से पूछा ही कैसे रहे 25 साल, अरे हाथ तो हटाओ। उन्होंने कहा झेल लिए जैसे तैसे। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो। मम्मी मार के दिया मैं दरवाजा बंद करके। ऐसे लग रहा है बैक से भाई। दीदी कह रही है मुझे मत डालियो, कमेंट करके बताना दीदी कितनी गंदी, सॉरी अच्छी लग रही है। गाइस फॉलो सब्सक्राइब कमेंट और क्या क्या होता है लाइक, और ये भी है, ये भी है भाई, ये तो दिखाई नहीं पूरे उसमें। इधर तो आ, इधर तो। कैसा लग रहा है मम्मी और पापा को 25 साल हो गए? मजा आ गया, मजा आ गया। शर्मा रहे, शर्मा रहे। अबे इधर तो देख लेगा, सीए निशांत शर्मा, तो शर्मा बोल रहा है। तो भाई हो गई पार्टी ओवर, अब हम निकल रहे हैं। ये आ रहे हैं, पता नहीं होगा कोई, ये आ रहे हैं दादाजी, ये आ रहे हैं, सारे गेट खोलो, अब हम निकल रहे हैं भाई। इधर थी पार्टी, इधर पार्टी हॉल में, अब मिलते हैं घर चल के। भाई इतना ज्यादा थकान हो रही है ना, अभी मैं 300 किलोमीटर दूर से आया, और कल इससे पहले मैं 160 किलोमीटर दूर से आया, तो पूरे दिन ट्रैवल 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 ट्रैवल, और अब यहाँ पहुँचते ही देहरादून पहुँचते यहाँ आ गया। अब निकलते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है गाइस, फाइनली गाइस पहुँच गया मैं घर, और भाई मैं आते ही ऐसी नींद आई है ना मुझे, ऐसी नींद आई है, और अब मैं उठ के तुम्हारे लिए दोबारा से क्लिप बना रहा हूँ। देख रहे हो कितना हार्ड वर्किंग बॉय है ये। ठीक है, आँखें देखो भाई, पूरी नींद वाली हो रही है अभी भी। ठीक है, तो व्लॉग ये वाला थोड़ा सा छोटा है शायद से, और के हिसाब से शायद नहीं छोटा ही है, क्योंकि और मैं आजकल व्लॉग 20-20 मिनट 16-20-22 मिनट इतने बड़े बड़े व्लॉग डालने लग गया था, पर ये थोड़ा सा छोटा है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि वहाँ पे भाई म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा तेज़ बज रहा था, मैंने इतना बना नहीं पाया क्योंकि गानों की आवाज़ ही आई जा रही थी, मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही थी। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, और एक ही बात, फैला दो पूरी मार्केट में, बाय।